एक भारतीय महाराजा और जर्मनी के अडॉल्फ हिटलर का क्या लेन देन था? एक समय ऐसा था जब इस खौफनाक अधिनायक को पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह की जरूरत पड़ी थी और अपना काम निकलवाने उसने महाराजा के लिए एक बेशकीमती मेबैक गाड़ी तोहफे में दी। पटियाला की रियासत को 1763 में बाबा आला सिंह ने स्थापित की थी और इसकी प्रमुखता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज राज की सहायता करने के बाद बढ़ गई। पटियाला के शासकों ने अंग्रेजों के अनेक जंगों में साथ दिया था, जैसे कि अफगानिस्तान, चीन और मध्य पूर्व में। भूपिंदर सिंह की भव्य प्रसिद्धि थी। वे हर चीज के शौकीन थे, फिर चाहे वो शराब हो, औरत, गहने या फिर गाड़ियां। वो राजनीति में भी काफी प्रभावशाली थे। नरेंद्र मंडल के एक अहम सदस्य होने के नाते वो भारत और विदेश में प्रख्यात थे। उनकी इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन इत्यादि के राजाओं से खास दोस्ती थी। लाजमी है कि इसी वजह से 1935 में हिटलर ने उनको एक कीमती मेबैक गाड़ी तोहफे में दी जब वो जर्मनी की सैर कर रहे थे। माना जाता है कि हिटलर को आशा थी कि अगर जर्मनी और अंग्रेजी हुकूमत के बीच जंग हो तो भूपिंदर सिंह निष्पक्ष रहेंगे। हिटलर के तोहफे को भारत भेज दिया गया और पटियाला के मोतीबाग महल के गैरेज में भूपिंदर सिंह की 27 रोल्स रॉयस गाड़ियों के साथ ये मेबैक भी शामिल हो गई। पर कुछ समय बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ और गाड़ी छिपा दी गई और कभी चलाई नहीं गई। महाराजा भूपिंदर सिंह के इंतकाल के बाद उनके बेटे यादविंदर सिंह महाराजा बने। 1947 के बाद सारे देसी राज्य को विभिन्न प्रांतों से जोड़ दिया गया। पूर्वी पंजाब की 8 रियासतों को मिलाकर नए राज्य पेप्सू अर्थात पूर्वी पंजाब राज्य संघ पटियाला का निर्माण किया गया। तब जाकर इस मेबैक गाड़ी का पंजीकरण हुआ और उसे नंबर 7 का लाइसेंस प्लेट मिला। 1967 में यादविंदर सिंह ने ये गाड़ी उनके एक फौजी कर्मचारी सरदार सत्यजीत सिंह को भेंट कर दी। इस गाड़ी की कीमत आज के जमाने में $5 मिलियन है। 2015 में इस गाड़ी की डेनमार्क में नीलामी हुई और एक गुमनाम खरीदार ने इसे हासिल कर लिया। भारत के राजसी दौर की ये दिलचस्प निशानी अब शायद विदेश में ही रह जाएगी।